आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का प्रसारण हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पित जन समर्थ ऐप के बारे में भी जानकारी दी गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित आइकॉनिक सप्ताह के उद्घाटन सत्र का प्रसारण देश के 75 प्रमुख शहरों में किया गया, जिसमें जबलपुर भी शुमार था। वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा देश के वित्तीय क्षेत्र के विकास और आर्थिक प्रगति को शामिल करते हुए दोनों मंत्रालयों के अंतर्गत प्रभावी रूप से किए गए प्रशासनिक सुधारों का प्रदर्शन भी प्रसारण के दौरान किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को भी प्रसारित किया। साइटों पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। इस जन समर्थ पोर्टल छात्रों का, एंटरप्रेन्योर्स का, व्यापारियों कारोबारियों का, किसानों का जीवन तो आसान बनाएगा ही, उन्हें अपने सपने पूरे करने में भी मदद करेगा। अब छात्र आसानी से जानकारी ले पाएंगे कि कौन सी सरकारी योजना का उन्हें सबसे ज्यादा लाभ होगा, वो कैसे उसका फायदा उठा सकता है। इसी तरह हमारे युवा आसानी से ये तर्क मांगे कि उन्हें मुद्रा लोन चाहिए या स्टार्टअप इंडिया लोन चाहिए। जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से अब देश के युवाओं को, मध्यम वर्ग को एंड टू एंड डिलीवरी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। इसकी जिम्मेदारी आयकर विभाग जबलपुर को दी गई थी, जिसमें वित्त विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी ने हिस्सा लिया, जिसमें बैंक, बीमा कंपनियां, CGST डिपार्टमेंट, यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यहाँ के टैक्स पेयर्स एसोसिएशंस, बार एसोसिएशंस, उन सब लोगों ने हिस्सा लिया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण बड़े गौर से सुना। और ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है, ये पिछले 75 साल में जो हमारे आज़ादी प्राप्त करने और आज तक के जो हमारा विकास है उसको सराहनीय है, और हम आगे और प्रयास कर सकें और बेहतर काम कर सकें उसकी एक नई कोशिश है। कार्यक्रम के दौरान जन समर्थ ऐप का भी लोकार्पण किया गया और इसके बारे में सभी को जानकारी दी गई।